हेलो डियर वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में जैसा कि जानते हैं कि पहले दो दिन में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो था मैंने आपको बताया ओके आज से हम लोग फिर से शुरू करेंगे ठीक है पहले जो सोमवार से चलता था आज आपका दो दिन वो चीज़ें नहीं हो पाया है कोई नहीं आपको चार सब्जेक्ट है चार सब्जेक्ट इस सप्ताह में होना चाहिए मैं इसका क्वेश्चन कराऊँगा ही समझ गए चलिए रेगुलर अब चलेगा आज जो प्रश्न लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट जो पेपर होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जिसे इस तीनों को मिलाकर हम लोग बायोसाइंस इससे कहते हैं समझ गए बायोसाइंस कहते हैं ओके तो इसका 26 वीडियो इससे पहले 26 वीडियो तक कर चुके हैं आज का ये वीडियो सत्ताईसवां वीडियो है समझ गए जो हमारा होने वाला है रिप्रोडक्शन समझ गए रिप्रोडक्शन प्रजनन के बारे में जनन जो होता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ गए यानी मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ओके चलिए सब सबसे पहले ये जानिए कि जनन होता क्या है रिप्रोडक्शन होता क्या है <clears throat> रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले जनन मादा जनन तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग पहले जानते हैं जनन होता कैसे है समझ गए चलिए होता क्या है जनन जनन मतलब क्या होता है कि जन्म देना समझ गए देखिए जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है समझिए जिससे जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करती है ये जो जन्म तंत्र होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह सभी जीवधारी में जितने भी जीवधारी है सब में होता है चाहे आपके गाय हो भैंस हो समझिए या यूँ कहा जाए आदमी हो या अनेकों स्तनपान जो है स्तनपान कराने वाली स्तनधारी जितने भी आपको जानवर मिलेंगे खासकर उसमें जो है आपको यह सिस्टम जो है मौजूद होता है कौन सा जनन सिस्टम समझ गए जनन तंत्र जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है अब होता है मनुष्य जो है मनुष्य कभी भी जो है दूसरे कैटेगरी के, के बच्चे का जन्म देता है अगर दूसरे कैटेगरी का कभी कभी समाचार में सुनते होइएगा कि जन्म दे दिया है तो उसे बड़ी भयावह लोग मानता है समझ गए रेयर केस में कभी कभी उल्टा सीधा होने से जो है आपको ऐसा होता है वरना बे आदमी आदमी ही बच्चे को ही जन्म देता है अपने ही जैसे धीरे धीरे वह उसके ही जैसे हो जाता है मनुष्य के जैसे ही तो वही कहता है गाय भैंस है गाय है तो अपने ही जैसे बछड़े का जन्म देती है उसी प्रकार से भैंस है तो उसी प्रकार से जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं वह सब अपने जैसे संतान का उत्पत्ति जो है इसी जो है जनन तंत्र के जरिए करता है समझ गए मानवों में लैंगिक सेक्सुअल जनन पाया जाता है मानव में जो होता है सेक्सुअल जनन होता है मतलब सेक्सुअल क्रिया के बाद यह जनन की क्रिया होती है यह द्विलिंगीय प्रजनन प्रक्रिया है अब जो मानवों में जो सेक्सुअल लिंग जनन होता है यह द्विलिंगी होता है द्विलिंगी का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलता है तभी जाके जो है यह चीज़ें हो पाता है समझ गए जिसमें नर युग्म के तौर पे, मतलब नर मतलब होता है पुरुष पुरुष के जो युग्मन जो होता है उसके तौर पर शुक्राणु होता है मतलब पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है लिंग के रूप में जो लिंग को निर्धारित करता है तथा मादाओं में अंडो यानी मादा युग्मक का निर्माण करती है और फीमेल में जो होता है अंडा होता है जो क्या करता है कि मादा युग्मन का निर्माण करता है समझ गए युग्मनज जो होता है जो आपके यही जाइगोट जो होता है यही फर्टिलाइजेशन में भूमिका निभाता है जैसे मेल का जो युग्मनज होता है वह स्पर्म शुक्राणु होता है और जो फीमेल में होता है वह अंडा होता है और दोनों जब आपस में मिलता है तो निषेचन की क्रिया होती है समझ गए चीज़ों को और यही सब जनन क्रिया में होता है शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से युगमनज जाइोट का निर्माण होता है समझ गए जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करते हैं अब यही दोनों मिलता है जाइगोट युग्मनज का निर्माण करता है जो आगे यही चल के कर क्या करता है जीव का निर्माण करता है बच्चे का निर्माण करता है गर्भ में समझ गए तो यही हमारा पूरा जनन सिस्टम होता है जनन तंत्र है जिसको हम लोग थोड़ा सा समझ गए हैं कि कैसे कैसे होता है अब हम लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे अब आपको पहले से पता है कि कोई भी सिस्टम होता है ये जो रिप्रोडक्टिव होता है जो जनन तंत्र है यह आपके मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है समझ गए तो ऐसे में दोनों में है हम लोग को दोनों पढ़ना है ठीक है तो हम लोग पहले फीमेल पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव फिर मेल रिप्रोडक्टिव को पढ़ेंगे ओके अब यहाँ पे सिस्टम फीमेल फीमेल है फीमेल है फीमेल के लिए मेल होगा तो मेल के लिए सिस्टम सिस्टम का मतलब होता है तंत्र अब कोई भी सिस्टम बनता है तो एक दो चीज़ों से एक चीज़ों से मिलके नहीं बनता है सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारे चीज़ों को जो है कनेक्ट करके भाग लेता है किसी चीज़ में वही तंत्र का निर्माण करता है समझ गए सिस्टम बनाता है सिस्टम कभी एक चीज़ों से नहीं हो सकता है समझ गए तो सिस्टम जो है एक से अधिक चीज़ों को मिलकर बनाया जब बनता है जैसे आप लोग पढ़े पाचन तंत्र श्वसन तंत्र समझ गए बहुत सारे तंत्र जो है आप लोग पढ़ चुके हैं उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम भी पढ़े हैं आज पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल होगा तो मेल के जितने भी पार्ट अगर जनन क्रिया में हिस्सा लेगा तो वह जो है मेल रिप्रोडक्टिव हो जाएगा फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में वे सारे ऑर्गेन वे सारे अंग जो जनन के क्रिया में भाग लेता हो रिप्रोडक्टिव की क्रिया में भाग लेता हो वही जो है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव कहलाता है अब दिमाग लगाइए कि कौन कौन से ऑर्गेन हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव क्रिया में भाग लेता है तो चलिए इसी को हम लोग समझेंगे तो लिखना है कि मादा जनन तंत्र वे तंत्र होते हैं जो आ, जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं वे सारी महिलाओं के अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं वह मादा जनन तंत्र कहते हैं जो क्या होता है आ, जो दो प्रकार के भागों में विभाजित होता है जो फीमेल का जिनाइटल ऑर्गेन होता है ना वह दो प्रकार के जो जननांग होता है वह दो भागों में इसे विभाजित किया गया है ओके पहला भाग है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और दूसरा है इंटरनल जेनिटेलिया मतलब बाहरी जननांग और एक है आंतरिक जननांग अब ये जो जनन की क्रिया है आप लोग को पता है कि फीमेल में जो जननांग होता है जो अंग जननांग का मतलब क्या है कि जो वैसा अंग जो जनन में भाग ले वही जननांग होता है तो जननांग आप लोग को पता है बहुत सारे लोग को पता होगा इसमें कोई शर्म की बात नहीं है पढ़ाई है समझिए फीमेल है आपको पता है जो ऊपर से दिखता है जो ऊपर से उपस्थित है जो ऊपर से दिखे वह वाला हमारा बाहरी जननांग हो जाता है समझ गए फीमेल की बात कर रहे हैं और वैसा ऑर्गेन जो तो भाग तो लेता है जनन की क्रिया में लेकिन वह ऊपर से दिखता नहीं है तो वह हमारा इंटरनल जेनेटिलिया होता है जैसे हो गया यूट्रस हो गया फेलोपियन ट्यूब हो गया ओवरी हो गया ये सब ऊपर से दिखता है नहीं दिखता है ये सब अंदर उपस्थित होता है तो इसीलिए आंतरिक इसे कहते हैं और हो गया भैजीना हो गया मॉन्स मॉन्सपीविस हो गया ठीक है ना क्लिटोरियस हो गया ये सब जो है आपके ऊपर से दिखते हैं तो ये सब हमारे बाहरी जननांग होंगे लेकिन ये दोनों के दोनों भाग लेते हैं तो यही बाहरी और आंतरिक जननांग हो गया ओके अब पहले हम लोग देख लेते हैं आंतरिक प्रजननांग इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में कौन कौन अंग जो है शामिल है तो आंतरिक वाला में ज़्यादा नहीं है टेंशन नहीं लेना है पहले है अंडा से ओवरिज होते हैं दो ओवरीज होते हैं दो है, दोनों साइड आपको पता है जिसे डिम्ब ग्रंथि भी कहते हैं जहाँ से अंडा का निर्माण होता है और हारमोन का सिक्रेशन होता है तो ये अंडा से होता है समझ गए दूसरा होता है यही अंदर में ही होता है या अंदर में ही होता है फेलोपियन ट्यूब है जो पता है आपको दोनों साइड से जो है ऐसे लगा होता है ठीक है ना ऐसे करके दोनों साइड से लगा होता है तो यही हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है जिसमें से होकर

इंटरनल में कुछ खास ज़्यादा है नहीं बाहरी वाला है इसमें छोटे छोटे और सारे ऑर्गेन हैं जिसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल बाहरी वाला में कौन कौन सा है तो स्त्री के बाहरी जननांग निम्नलिखित है बाहरी जननांग ज़्यादा है देखिए पहला है मॉन्स प्यूबिस है मैं चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा टेंशन नहीं लेना है मोन्स प्यूबिस होता है जि जिसको जघन शैल कहते हैं अब जैसे मान गए जैसे समझिए भैजीना है समझ गए तो भैजीना से हल्का सा ऊपर जो ए वाला पार्ट होता है ना यहाँ पे रोम बाल जमते हैं समझ गए इसी को मोन्स प्यूबिस कहते हैं इस वाले जगह पर समझ गए लेबिया मेजोरा होता है एक होता है लेबिया माइनोरा होता है याद रखिएगा लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा क्लिटोरियस होता है भग्न सीश्न होता है क्लिटोरियस जो है यह बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाला होता है फीमेल जब रिलेशन में रहता है फीमेल जब रिलेशन में रह बनाती है रिलेशन मेल के साथ तो यही क्लिटोरियस उसको जो है चरम उत्तेजित करता है यही एक्साइटेड करता है समझ गए छोटा सा यह जो है दाने के जैसे होते हैं जिसमें टच होने से जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उत्तेजना आता है समझ गए चीज़ें को ध्यान में रखिएगा उसके बाद है आपका एक है भैस्टी ट्यूबल है समझ गए यह दो होते हैं भैस्टी ट्यूबल जो है आपको इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है समझ गए जहाँ से जो है आपको ये चीज़ें जो है होते हैं दोनों साइड होते हैं जैसे ये हो गया आपके योनी हो गया तो योनी के इस साइड भी इस साइड भी रहता है समझ गए लेजर और ग्रेटर यही दोनों जो है भेज होता है ओके याद रखिएगा हाइमिन होता है और एक होता है आपके ए भेजीना ये तो पता ही है भैजीना होता है समझ गए तो ये चीज़ें याद रखिएगा कोई ज़्यादा है नहीं मोन्सिविस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा ये दोनों तो याद हो जाएगा लेबिया मेजोरा तो एक हो जाएगा लेबिया माइनोरा क्लेटोरियस है आप लोग को सबको बहुत लोग को पता ही होगा कि केलेटोरियस का क्या काम है ओके उसके बाद है भेजटिबुल होता है एक हाइमिन होता है और एक भैजीना होता है फिगर के माध्यम से दिखाएंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओके चलिए इतना समझ गए अब इतना समझ गए तो समझना आसान बात है अब डियर एक बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि बहुत लोग ये जो है भालवा को जो है भेजीना समझते हैं समझ गए भालवा को बहुत लोग भेजीना समझते हैं लेकिन नहीं भैजीना तो होता ही है इस भलवा के अंदर जितने भी ऊपरी अंग जो है जो भी आप बाहरी जिनेटियल ऑर्गेन जो एक्सटर्नल वाला देखे हैं ना वह सब को सामूहिक रूप से ही भलवा कहा जाता है समझ गए एक चीज़ को ध्यान में रहे अगर कोई कहे कि भैजीना ही भलवा होता है तो नहीं भलवा के अंदर जो है भैजीना आता है जितने भी ऊपर के बाहरी जिनेटियल ऑर्गेन हैं सब के सब जो है सबके सामूहिक रूप से ही भलवा कहते हैं भग कहते हैं समझ गए बाहरी जननांगों को सामूहिक रूप से जो है भग कहते हैं पता है पता हो गया बलवा में निम्नलिखित अंग शामिल है अब बलवा आप लोग को पता हो गया कि बाहरी यानी एक्सटर्नल जो भी जीनेटियल ऑर्गेन है जिसका लिस्ट भी ऊपर में देखे हैं वह सब को सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से वलवा कहते हैं और जो वलवा में अंग आते हैं आप लोग ऊपर में देखे हैं कि कौन कौन से बाहरी ऑर्गेन हैं जिसको चलिए है अब हम लोग डिटेल से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग पढ़े थे प्यूबिस जघन शैली पढ़े जघन शैली जघन शैल जघन शैल इसका मतलब होता है कि जांघों के आसपास की एरिया में जो बाल होते हैं वह प्यूबिस पर ही बाल उगते हैं समझ गए और यह जो है सिम्फेसिस प्यूबिस के आगे स्थित होता है यह जघन संधनायक मतलब सिम्फेसिस प्यूबिस के आगे स्थित होता है मॉन्सप्यूबिस युवा अवस्था में मतलब जब जब यौना आरंभ होता है तो उसके ऊपर बाल उगते हैं जब युवा अवस्था होता है फीमेल की बात कर रहे हैं चाहे <स्थाथ> तो जो है इसमें बाल उगते हैं समझ गए और इन्हें प्यूबिक हेयर जघन बाल कहते हैं जो कि जीवन प्रयत्न रहते हैं जो कि जीवन प्रयत्न रहते हैं मतलब फ़ीमेल के जो गुप्तांग पे जो बाल उगते हैं वही वह बाल जो है यही मॉन्स प्यूबिस के ऊपर ही होता है और ये मॉन्स प्यूबिस वाला जगह कहाँ होता है तो जैसे यह मानिए भेजीना है समझ गए ये भैजीना है तो इसके ठीक ऊपर जो जगह होता है जहाँ पे बाल उगता है इसी को जो है मॉन्स प्यूबिस कहते हैं और इस पर जो हेयर उगता है उसे प्यूबिक हेयर कहते हैं यह कब उगता है तो यह युवा अवस्था में उगता है समझ गए और कहाँ पे स्थित होता है तो स्थित जो मोन्स प्यूबिस होता है यह सिम्फेसिस प्यूबिस के आगे स्थित होता है इस चीज़ को ध्यान में रखना है हम लोग एक और देखे थे लेबिया मेजोरा बृहद भगोष्ठ मेजोरा जो होता है लेबिया भगोष्ठ होता है समझ गए तो लेबिया मेजोरा मेजर मतलब होता है बड़ा और माइनर मतलब होता है छोटा समझ गए तो मेजर से ही मेजोरा बना है और माइनर से ही माइनोरा बना है समझ गए यह भलवा के बाहरी सतह बनाती है जो लेबिया मेजोरा होता है यह भलवा के बाहरी सतह बनाती है इसमें दो बड़े वल्व फोल्ड पाए जाते हैं समझ गए लघु भगोष्ठ होता है यह लेबिया मेजोरा के भीतर दोनों ओर त्वचा तथा श्लेष्मक झिल्ली की बनी दो छोटी छोटी कोमल गुलाबी रंग की परतें होती है देखिए लेबिया माइनोरा जो होता है वह आपके जो आपके भेजीना दिखता है ना उसके आसपास जितने भी एरिया है या यूं कहा जाए जो भैजीना के बाहरी एरिया है वह सब के सब जो है बृहद भगोष्ठ में आता है इस यह दो फोल्ड में बना होता है जो भैजीना इसका बाहरी लेयर जो होता है दो फोल्ड के सतहों में बना होता है बाकी माइनोरा है मतलब छोटा है तो भैजीना तो के अंदर तो छोटा ही जगह रहता है तो इसलिए इसे यह छोटे भाग में बना होता है इसके भीतर जो है दोनों जो लेयर होता है वह त्वचा तथा झिल्ली का बना दो छोटे छोटे गुलाबी रंग के लेयर होता है भेजीना के अंदर समझ गए तो इसीलिए इसे लेबिया माइनो मेजोरा कहते हैं क्योंकि यह बड़े क्षेत्र का एरिया को कवर करता है बाहर के साइड के बलवा के जबकि यह जो होता है लेबिया मेजोरा यह जो है अंदर के त्वचा के लेयर को बनाता है और चूंकि हम लोग जानते हैं यह छोटा होता है भेजीना वाला एरिया और आंतरिक में तो और छोटा होगा तो इसलिए इसे जो है हम लोग अंदर के सतह को जो है लेबिया माइनोरा कहते हैं बाहर के सतह को लेबिया मेजोरा कहते हैं समझ गए चीज़ों को चलिए फिगर में दिखा देते हैं समझिएगा चलिए दोनों फिगर एक ही दिशा में हमने रख दिया है ताकि आप आसानी से समझ सके देखिए यह आपका हो गया यह आंतरिक रूप से संरचना को बनाता है समझ गए यह कौन सा है आंतरिक रूप से संरचना को बनाता है और यह एक्सटर्नल वाले संरचना है समझ गए अंदर है मतलब देख रहे हैं जाहिर सी बातें हैं ए जो आपका ये नली दिख रहा है ए वाला जो नली दिख रहा है ये है फेलोपियन ट्यूब जिसे यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं समझ गए जो आपस में पकड़ के रखता है दो ओवरी को दोनों साइड से समझ गए ए समझ गए रही बात यह हो गया हमारा यूटरस ये वाला जो पार्ट देख रहा है यह यूटरस का पार्ट हो गया समझ गए चलिए अब यहाँ पे एक जो पतला सा संरचना ये देख रहे हैं जो यूटरस को भैजीना से जोड़ता है उसे हम लोग सर्विक्स ग्रीवा कहते हैं समझ गए जो यूटरस और भैजीना के बीच में जो पतला सा महीन रास्ता होता है इसे सर्विक्स कहते हैं समझ गए ए दोनों साइड ओवरी है पता ही है समझ गए चीज़ों को और रही बात यह बाहर में की तरफ जो है भैजीना की जो चौड़ा रास्ता है सर्विस के बाद यह भैजीना होता है तो यह हो गया इसी प्रकार से स्थित होता है से पेल्विक कैविटी में स्थित होता है यह ऑर्गेन तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है समझिए <coughs> अब आइए इंटरनल एक्सटर्नल में तो देख लिए, अब इंटरनल में देखिए अब इंटरनल में मैंने पढ़ाया कि प्यूबिस है तो देख लीजिए यह प्यूबिस, यही ये यह जो भाईजीना है त्रिकोणा इसके ऊपर यह वाला एरिया जो है प्यूबिस का यहीं पे बाल हेयर प्यूबिस हेयर उगता है समझ गया चीज़ों को समझ गए चलिए अब आप लोग को पता है बाहरी क्षेत्र को मैंने बताया कि लेविया मेजोरा होता है तो ये जो बाहरी क्षेत्र देख रहे हैं फिगर के माध्यम से इसीलिए मैं समझा रहा हूँ ये सब जो बाहरी क्षेत्र ऊपर से देख रहे हैं यह लेविया मेजोरा का है जो दो परतों में बना होता है स्किन से समझ गए आंतरिक जो लेयर होता है लेबिया माइनोरा का होता है क्योंकि यह छोटा होता है यह मात्र जो खुलता है ना पार्ट भेजीना का वही खुले हुए आंतरिक पार्ट होता है लेबिया माइनोरा ए वाला जो सतह देख रहे हैं ए वाला सतह जो, तो जो खुला हुआ है तो यही लेबिया माइनोरा का है समझ गए ये जो खुला हुआ सतह है ना यही लेबिया माइनोरा को हो जो खुलता है समझ गए वो लेबिया माइनोरा होता है उसके बाद है ये जो झिल्ली वाला जो होता है ये इसके में ये जो देख रहे हैं ये वाला लेयर यह हाइमिन होता है जो लेबिया मैनोरा के अंदर में रहता है समझ गए और यहाँ पे देख लीजिए यह भैजिनल ओपनिंग है यहाँ से भैजीना का द्वार है जिसे भैजिनल ओपनिंग कहते हैं यह यूरेथरल ओपनिंग है वेजिनल ओपनिंग से ठीक ऊपर यूरेथरल मार्ग है जहाँ से मूत्र जो है त्यागा जाता है समझ गए ये समझ गए उसके बाद यही क्लिटोरियस है जिसको बारे में मैंने आपको बताया यही क्लिटोरियस होता है जिसको छूने मात्र से जो है बॉडी में सिहरन आने लगता है मतलब काफ़ी ज़्यादा यह जो है उत्तेजित करता है फीमेल को क्लिटोरियस टच होते ही जो है बॉडी में सिहरन सा मतलब एक्साइटमेंट जो है आने लगता है समझ गए तो यही जो है आपके क्लिटोरियस होता है इस चीज़ को समझ गए कोई दिक्कत नहीं तो अंदर में क्या क्या चीज़ होता है इंटरनल में मोन्सप्यूविस यहाँ पे लेबिया मेजोरा या बाहर वाले जो फूला हुआ जगह होता है भैजिना का ऊपर से वह लेबिया मेजोरा वाला एरिया होता है लेबिया माइनोरा जो कि दो परत स्किन का होता है जो भैजीना के इस छिद्र सब को कर रखता है और ज़रूरत पड़ने पर यह खुलता है तो वही लेबिया मैनोरा होता है समझ गए हाइमिन होता है जो एक झिल्ली सा होता है अंदर में जो चारों साइड से जो है आपको वेजिनल और यूरेथरल ओपनिंग के होता है तो वह हाइमिन होता है वेजिनल ओपनिंग एक छिद्र है जो कि यहाँ पे पता है इसी के द्वारा जो है बच्चा बाहर आता है या रिलेशन बनता है यूरेथरल ओपनिंग है जो कि मूत्र त्यागने के लिए है या वेजिनल ओपनिंग के थोड़ा सा ऊपर होता है और बाकी क्लिटोरियस जो होता है यहाँ पर है शिश्न भग जिसको छूने मात्र से ही जो है उत्तेजना आता है समझ गए तो ये दोनों फिगर के माध्यम से समझ गए आप लोग और और मैं आगे अब ले चलता हूँ डिटेल से बताने में है समझ गए चलिए तो उम्मीद है आप लोग लेबिया मनोरा और लेबिया मेज़ोरा दोनों को समझ गए होंगे जितने भी भेजीना के जो बाहर जो फूला हुआ एरिया होता है ना वह जो है आपको लेबिया मेज़ोरा होता है उसके भेजना के जो स्किन होता है जो ऊपर से ढ़क के रखता है और ज़रूरत पड़ने पर संबंध बनाने पर यह खुलता है तो वह वाला जो लेयर होता है वह लघु भगोष्ठ होता है समझ गए चीज़ों को लेबिया माइनोरा होता है जो गुलाबी कलर के परत से झिल्ली से बना होता है और त्वचा से समझ गए अब आता है क्लिटोरियस क्लिटोरियस तो जो होता है यह एक संवेदनशील अंग होता है या काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है इसमें समझ गए जिसमें पुरुष के पेनिस के समान उत्तेजन होता है पुरुष में जिस प्रकार से पेनिस में इरेक्टाइल होता है उत्तेजना होता है उसी प्रकार से फीमेल में क्लिटोरियस में भी जो है उत्तेजना होता है क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं समझ गए तो यह क्लिटोरियस होता है जो स्त्री को चरम सुख देता है हाइमिन होता है योनि छद योनि छद का मतलब होता है यह योनि द्वार भैजिनल और फिश को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ढकने वाली परत होती है अब जो है हाइमिन क्या होती है आपको पता है मैंने बताया कि वेजिनल ओपनिंग के चारों साइड से यह एक झिल्ली के जैसे रचना होता है यह जो है योनी बंद होने पर जब नॉर्मल तरीके से एक फीमेल है तो उसमें यह ढककर कर योनी को रखता है समझ गए हाइमिन जो है यह एक लेयर बना के रखता है ढंक कर रखता है आंशिक या पूर्ण रूप से समझ गए तो यही हाइमिन होता है जो एक झिल्ली जैसी रचना में उसके बाद है प्रधान है भेस्टिबुल है आप लोग भेस्टिबुल भी देखे हैं वेस्टिबुल यह ट्रायंगुलर स्थान होता है जिसमें निम्न छिद्र खुलते हैं यह तीन आकार में होता है ऐसे करके या यूँ कहे तो ऐसे करिए ऐसे समझिए ऐसे जो है त्रिकोणीय आकार में तीन जो है निम्नलिखित छिद्र खुलते हैं यूरेथरल ओपनिंग मैंने बता दिया यूरेथरल ओपनिंग खुलता है तीसरा है वेजिनल ओपनिंग भेजिनल ओपनिंग भी इसी के अंदर होता है तो यह तो दो छिद्र हो गया और बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग भी होती है जैसे मान गए ए हो गया आपके भेजीना के आंतरिक तीन कोना अब इधर भी और इधर इधर साइड भी और इधर साइड भी दोनों किनारे पर जो है आपको बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग होता है वेजिनल ओपनिंग यहाँ पे होगा ठीक है यहाँ पे यूरेथरल ओपनिंग होगा और ये दोनों साइड में जो है आपको बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग रहता है समझ गए तो ये चीज़ को समझिए हो गया चलिए आंतरिक जननांग अब हम लोग चलेंगे ए, ओपनिंग ये सब जो है बाहर वाला हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गेन के बारे में पढ़ लिए अब हम लोग चलेंगे इंटरनल जिनेट्रियल में आंतरिक ऑर्गेन में ठीक है अब जो एक बात समझिए बाहर वाला तो ऊपर से जो है सारा चीज़ पढ़ लिए आंतरिक जननांग जो होता है वह पेल्विक कैविटी में जो है स्थित होते हैं सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि फीमेल का जो जिनेट्रियल ऑर्गेन है किस कैविटी में होते हैं तो पेल्विक कैविटी में ही होते हैं समझ गए चलिए आंतरिक में हम लोग पढ़े हैं कि भाई योनी होता है जिसे भैजीना कहते हैं भैजीना के बारे में समझ लीजिए भैजीना बाह्य व आंतरिक जननांगों को जोड़ती है भैजीना जो होता है यह अंदर और बाहर दोनों को जोड़ता है समझ गए फिगर में आप लोग देख चुके हैं कि कहाँ भैजीना होता है कहाँ सर्विक्स होता है कहाँ यूट्रस होता है कैसे यह बाहर वाला को आंतरिक वाला से जोड़ेगा सारा चीज़ समझ गए चलिए भैजीना हो गया यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब आठ से दस सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है मैथुन कक्ष की मतलब की वही जो ए, रिलेशन बनता है उसके तौर पर यह कार्य करती है साथ में यह बच्चे को जनन में भी भूमिका निभाती है और यह मूत्राशय समझ गए मूत्राशय और मलाशय दोनों के बीच में जो है आठ से दस सेंटीमीटर एक लंबी नली के समान स्त्रियों के मैथुन कक्ष के तौर पर यह कार्य करती है यह अंग स्त्रियों में रज्जो धर्म श्राव मतलब मेंसरल फ्रो तथा प्रसर्व के मार्ग का भी कार्य करती है और नियोनी का क्या काम है जो मासिक धर्म होता है इसी के द्वारा होता है जो बच्चा का जन्म होता है प्रसर्व इसी मार्ग से होता है समझ गए योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं योनि में क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिकल अम्ल को निर्माण करते हैं समझ गए यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल के कारण अम्लीय होता है और इसी अम्ल के कारण अम्लीय होने के कारण मेल का जो स्पर्म होता है मेल का स्पर्म जो है डाई न हो इस अम्ल के कारण इसलिए मेल के जो स्पर्म होता है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से व्हाइट व्हाइट जो है आपको चिपचिपे पदार्थ जो है उस जो है सीमेंट में मौजूद रहता है वह क्या करता है कि फीमेल के जो भेजीना का अम्लीय गुण है उसको जो है कम करता है ख़त्म करता है जिसके कारण जो स्पर्म है वह डाई नहीं होता है स्पर्म का मृत्यु नहीं होता है नहीं तो जिस प्रकार से भेजीना अम्लीय होता है अगर सिर्फ स्पर्म ही आता सिर्फ जो है आपको शुक्राणु ही अगर रिलेशन बनाने के बाद सिर्फ भेजीना में जो है आपको क्या बोलते तो हैं शुक्राणु ही जाता तो वह शुक्राणु को अम्लीय गुण होने के कारण नष्ट हो जाता भैजीना में ही फिर आगे नहीं जा पाता जिससे गर्भ का कंडीशन नहीं बनता लेकिन उसी के लिए मेल के जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वहाँ से एक जो है वाइट व्हाइट चिपचिपे जो है द्रव निकलता है और वह जो है सीमेंट में मिलता है और स्पर्म को जो है गतिशील करता है साथ में फ़ीमेल के जो है अम्लीय गुण है भेजीना को उसको भी कम करता है जिसके कारण स्पर्म का जो है डाई नहीं होता है आगे चल जाता है समझ गए ये चीज़ को समझ गए तो ये चीज़ समझ गए भेजीना के बारे में चलिए अब भाईजीना का क्या कार्य है कार्य भी आप लोग समझ गए होंगे कि यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनी से स्खलन सीमेन को ग्रहण करने का काम करता है साथ में यह शिशु शिशु को जन्म देने के दौरान लचीला मार्ग प्रदान करता है यहाँ से मासिक धर्म का भी सिक्रेशन होता है तो ये सारे चीज़ आप लोग पढ़ गए यह जो है लेक्टोबेसिलस जीवाणु का निर्माण करता है समझ गए तो ये सारे चीज़ को समझ गए चलिए अब हम लोग देखेंगे यूट्रस के बारे में तो देखिए यूटरस पाँच नंबर में आपको अलग से भी पूछ सकता है तो इसलिए यूटर यूटरस को बढ़िया से देखिए गर्भाशय को यह नाशपाती के आकार का खोखला अंग पियर सेप में हेलो ऑर्गेन होता है अब देखिए पियर सेप हेलो ऑर्गेन मतलब यह खोखला ऑर्गेन है बिल्कुल मांस मसल्स का बना हुआ ऑर्गेन होता है जो खोखला होता है खोखला इसलिए होता है क्योंकि इसमें बच्चा जो है पलता है बढ़ता है समझ गए इसीलिए यह पहले से खोखला रहता है समझ गए ना चलिए आगे है यह स्रोनी मेखला में यूरिनरी ब्लेडर एवं रेक्टम के मध्य में स्थित होता है स्रोनी मेखला का मतलब है कि यह पेल्विस कैविटी में स्थित होता है समझ गए यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है ऊपर में यूरिनरी ब्लेडर इसके पीछे में होता है आपका रेक्टम मलाशय और इसी के बीच में हमारा यूटरस फीमेल का पाया जाता है समझ गया या यूँ कहा था जाए तो जिनेटियल ऑर्गेन इसी के बीच में होता है समझ गए चलिए यह साढ़े सात सेंटीमीटर लंबा पाँच सेंटीमीटर चौड़ा तथा इतना सेंटीमीटर मोटा और इसका वजन जो है साठ से अस्सी ग्राम में आपको देखने को मिलेगा तो यह नॉर्मल के बता रहे हैं साढ़े सात सेंटीमीटर लंबा पाँच सेंटीमीटर चौड़ा और अढ़ाई सेंटीमीटर मोटा इसका वज़न जो है साठ ग्राम होता है याद करना बड़ी आसान है साढ़े सात फिर जो है आप अढ़ाई घटाइए कितना हो जाएगा पाँच और फिर अढ़ाई घटाइए अढ़ाई समझ गए और इतना जो है साइज और इतना वज़न होता है ओके चलिए यूटरस के तीन भागों में बांटा गया जो गर्भाशय उसको तीन भागों में बांटा गया है गर्भाशय में तीन बॉडी होता है एक फंडस का होता है और एक बॉडी का होता है एक सर्विक्स का होता है समझ गए ऊपर वाला जो होता है यूट्रस का भाग वह फंडस का होता है बीच वाला बॉडी का होता है और लास्ट वाला जो कनेक्ट होता है सर्विक्स से तो वह सर्विक्स को माना जाता है समझ गए तो ये चीज़ को ध्यान में जैसे कैसे होता है ध्यान में देखिए ऐसे ही कुछ करके ऐसे ही जो है आपके होते हैं दोनों साइड से समझ गया कुछ इसी प्रकार से जो है आपके यह होते हैं इधर से दो ओभरी लगा होता है इधर से भी जो है आपको दो ओभरी लगा होता है और ये वाला पार्ट जो है कटा हुआ रहता है मोटा सा फिर आके इधर जो है आपके सर्विक्स कनेक्ट रहता है पतला वाला यह सब यूट्रस का भाग होता है ओके इसी प्रकार से होता है तो तीनों भाग को आप लोग समझ गए रही बात अब यूटरस की संरचना का तो यूटरस के संरचना में तीन लेयर होते हैं तीन लेयर को आपको याद रखना है संरचना इंपॉर्टेंट है अगर अलग से सिर्फ गर्भाशय के बारे में पूछेगा तो संरचना बताना पड़ेगा पहला है पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम यह बाहरी लेयर होता है यूटरस का और यूटरस पूरा मसल्स का है तो यह सब के सब मांस कहीं बना होगा मायोमेट्रियम मध्यम परत होता है एंडोमेट्रियम इंडोमेट्रियम होता है समझ गए जो आंतरिक परत होता है पेरीमेट्रियम यह सीरियस यह सेरस की बनी हुई गर्भाशय की बाहरी परत है क्या है यह सेरस की बनी हुई बाहरी लेयर है गर्भाशय का समझ गए जो बिल्कुल मसल्स का बना होता है मायोमेट्रियम है यह सबसे मोटी परत होती है यह मध्य परत है इसको ध्यान में रखिएगा और इसी बारे परत में जो है ब्लड का फ्लो रहता है ओके यह गर्भाशय की आंतरिक परत होती है इसे इंडोमेट्रियम कहते हैं ओके हो गया संरचना इसका कार्य क्या है यूटरस का कार्य क्या है यह निषेचन के दौरान डिम्ब को स्पर्म के साथ मिलने में सहायता करता है यूटरस क्या करता है फर्टिलाइजेशन में ओभम और स्पर्म मेल का स्पर्म और फीमेल का ओभम दोनों को साथ में मिलने में सहायता करता है निषेचन के उपरांत गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत आरोपण के लिए जगह प्रदान करता है अब जब ओभम और एस्पर्म दोनों आपस में मिल जाता है निषेचन हो जाता है तो उसके बाद जो है इसी यूट्रस के एंडोमेट्रियम आंतरिक वाले परत में ही जो है आरोपण होता है इम्प्लांटेशन होता है और वहीं पे जो है विकसित होता है उस निषेचन के बाद समझ गए तीसरा है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु के निरंतर विकास के लिए पोषण प्रदान करता है यूट्रस के आंतरिक लेयर इंडोमेट्रियम जो है फिटस को भ्रूण को गर्भ के अंदर संपूर्ण जो है पोषण प्रदान करता है चौथा में लिखिएगा कि यह जो है भ्रूण को जो है क्या करता है कि प्लेसेंटा के साथ जोड़ के रखता है समझ गए स के साथ प्लेसेंटा रहता है और भ्रूण के अम्लिकल कोट नाल जुड़ के रहता है यूट्रस से और उसी से जो है श्वसन वगैरह ब्लड उलड सब मिलता है भ्रूण को समझ गए पांचवा में लिखिएगा कि अब भ्रूण को सभी तरह के विकास में मदद करता है समझ गए यही हो गया छठा है लिखिएगा कि भ्रूण का वृद्धि और विकास का काम यही यूट्रस में ही होता है समझ गए तो छह काम आप लोग और लिख दीजिएगा मैंने बता दिया आप लोग को चलिए अब आता है गर्भाशय नालिका मीन्स यूटेराइन ट्यूब जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं यह एक लंबा कुंडलित नालिका अंग है यह एक क्या है लंबी नालिका वाला अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है पता है अंडवाहिनी की नालिकाओं अंडानुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है जैसे समझिए कि नली का मतलब है कि ए वाला ठीक है ना ए वाला समझ गए ए वाला ए वाला समझ गए इधर से भी है उसके बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से और कुछ जो है इस प्रकार से जो है आपके ए रहता है ऐसे और ए भी रहता है ऐसे समझ गए ए आपका हो गया यूटरस इसमें जो है आपको झिल्ली वाला रचना रहता है पकड़ा होता है ऐसे फिर इसमें भी ऐसे ही कुछ होता है और ऐसे पकड़ा होता है तो ये हो गया ओभरी हमारा दोनों और यही अंडा को रिलीज करता है ओभम को तो यही फेलोपियन टिप यूटराइन टिप जो है लेकर आता है यहाँ पे और निश्चेचन के बाद जो है यूटरस को प्रदान करता है समझ गए ना चलिए यह दस से बारह सेंटीमीटर लंबी होती है उधर गुहा के पीछे तक फैली होती है या डोमिनल कैविटी के पीछे तक ये वाला जो फेलोपियन ट्यूब है फैली रहती है समझ गए यह निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल जो है परिस्थिति बनाने में मदद करती है इन्हें डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं तो ये नॉर्मली अंडा को क्या करता है रिलीज होने के बाद अंडा को पहुंचाता है निषेचन क्रिया में भूमिका निभाता है और फेलोपियन ट्यूब के जरिए जो है हार्मोन का भी रिलीज जो है आपके इसी इसी वाले से होता है समझ गए ना अंडा अंडाशय से ही जो है एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजोन जो है हारमोन का रिलीज होने के बाद जो है इसी के जरिए जो है आता है तो इसका यही सब जो है आपको यह एबडोमियल कैविटी के पीछे स्थित होता है यह जो है नलिका ए, कुंडली में होता है दोनों तरफ स्थित होता है समझ गए अंडवाहिनी इसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं यह अंडा को जो है लेकर अंडाशय से लेकर जो है गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है इसकी लंबाई दस से बारह सेंटीमीटर लगभग होती है तो ये सारे चीज़ें हम लिख दिए यह जो है निषेचन की क्रिया के लिए जो है वातावरण बनाता है तो ये सारे चीज़ जो है आपको लिख देना है ओके इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं यह तीन भागों में विभाजित होता है कौन कौन यह जो ट्यूब है एक होता है इस्थम्स यह गर्भाशय के फंडस भाग से जुड़ा होता है जो इधर मोटा वाला जो एरिया होता है ना ये जो बीच वाला ये जो मोटा वाला एरिया होता है इसके बाद जो है आपके ट्यूब होते हैं और इधर से भी कुछ इसी प्रकार से तो ये जो मोटा वाला एरिया होता है ना यही फंडस होता है यूट्रस के और यही गर्भाशय से जुड़ा होता है समझ गए तो यही इस्थम्स होता है एम्पुला होता है यह स्थम्स व इनफंडिबुलम के मध्य की फूली हुई संरचना है यह फर्टिलाइजेशन के लिए उचित स्थान है यही जो फूला हुआ भाग है

तीसरा है यहाँ पे देखिएगा इन फंडी बुलम इन फंडी बुलम क्या होता है यह किप के समान चौरा होता है इसके अंतिम छोर पर उंगुली के समान संरचना पाई जाती है जो कि फिम्बरीन कहलाती है अब आपको पता है दोनों साइड से अंडा को पकड़ने के लिए आप लोग देखिएगा तो जैसे ये नली है ये नली है ना तो इसमें जो है उंगुली के समान जो है आपके रचना होता है क्या होता है उंगुली के समान जो है आपको रचना पाया जाता है तो ये उंगुली के समान रचना को फिम्बराइन फिम्ब्री कहते हैं समझ गए जो अंडासे को पकड़ कर रखता है और इन फंडीबुलम यह अंतिम छोर होता है समझ गए यह अंतिम छोर होता है नली का समझ गए जो अंगुली के समान इसमें संरचना यही वाला पाया जाता है जिसे हम लोग फिम्बरी कहते हैं जो अंडासे को पकड़ के रखता है समझ गए चलिए अब हमारा एक लास्ट आ गया ओवरीज़ जिसे हम लोग अंडासे कहते हैं ओके यह यूट्रस के दोनों ओर स्थित होता है आप लोग अभी पढ़े हैं दोनों ओर स्थित होता है ओवरी गुलाबी रंग की संरचना होती है कोई दिक्कत नहीं ओवरी का देख लीजिए ओवरी का अंडास ओवरी या अंडासे इसी को कहते हैं ओवरी दो होता है इसलिए इसे ओवरीज कहते हैं समझ गए महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ओके यह गर्भाशय के दोनों तरफ निचले पेट में एब्डोमिनल के नीचे वाले एरिए में स्थित होते हैं गर्भाशय के दोनों साइड होते हैं ओके महिलाओं में दो ओवरी पाए जाते हैं समझ गए याद है एक ही साइड एक ही साइड ओके ओवरी के मुख्य कार्य अंडे का एवं एस्ट्रोजोन एवं प्रोस्टोजोन नामक हार्मोन का उत्पादन करना ओवरी का काम यही है कि यह अंडे को बनाकर अंडे को रिलीज करता है साथ में यह एस्ट्रोजन और प्रोजी एस्ट्रॉन दो हार्मोन को भी सिक्रेशन करता है इसीलिए इसे ग्लैंड भी कहा जाता है ओवरी ग्लैंड ओके तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए मैंने बता दिया अच्छे से और टोटल का इंग्लिश यहाँ पर दे रखे हैं तो जो लोग अगर सीरियस है पढ़ने वाले फीमेल ग्लैंड के बारे में विस्तृत से एकदम आसानी से बता दिए टोटल यहाँ पे आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब मान गए आपको ओवरी के मारे ओवरी के बारे में सिंगल क्वेश्चन पूछ दे या यूटरस के बारे में सिंगल क्वेश्चन पूछ दे तो जितना जानते हैं किस साइड स्थित होता है क्या करता है कैसे होता है ए, क्या भूमिका निभाता है टोटल लिखने के बाद फिगर जरूर बनाइएगा चूंकि एनाटोमिकल पोर्सन है तो फिगर तो जरूर बनेगा ओके फिर विदा लेते हैं हिंदी इंग्लिश सब में दे दिए हैं आपसे विदा लेते हैं कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए हम बताएंगे ओके धन्यवाद